सबसे पहले बड़े भैया यार देव क्यों साइड लाओ मां दो मिनट घुस रहे हो ऐसे कैसे घुस रहे हो बीच में यस मैम हेलो एवरीवन मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है लेकिन ये व्लॉग तो देखना बनता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें ना मस्ती मजाक और सब कुछ बहुत अच्छा व्लॉग ये बना हुआ है तो व्लॉग देखना तो बनता है। तो ये व्लॉग है दशहरे के दिन का। तो इस दिन हम लोगों ने जो है ना सुबह सुबह कलश जो है ठंडा किया था जो जोत घर पर लगाई थी तो बस वही ठंडी की थी और इस जोत की ना केयर बिल्कुल एक छोटे से बेबी की तरह करनी पड़ती क्योंकि जोत जो है बुझनी नहीं चाहिए। तो आई जो है दिन रात बस इसकी सेवा में लगी रहती और यहाँ पर बाहर लाने के बाद में हमने अपना घर का जो कुएं का पानी है वो एक टब में निकाल लिया और यहाँ पे जो है जोत को ठंडी की। तो पहले ना बाहर लाने के बाद आरती वगैरह करनी होती है तो सारी आरती वगैरह यहाँ पे हुई फिर से घर के अंदर तो ऑलरेडी हम लोगों ने किए थे लेकिन बाहर लाने के बाद भी करनी पड़ती है। और जैसे ही नारियल फोड़ा ना तो उसके अंदर से देखना कि क्या निकला था। ऐसे निकला नारियल के अंदर दिखा दिया हाँ तो ऐसे हमारे नारियल के अंदर से निकला ये रेयर पीस। इसके बाद आज वापस से हमने 9 जो पूरियाँ होती है वो और वड़े वगैरह बनाए थे जिसकी घर में करनी होती है कौड़ी इसे हम लोग बोलते हैं कौड़ी और जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वही से खाते हैं। तो इसमें पान वगैरह नारियल का कीस वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मिक्स करके खाना। तो बस यहाँ पर बना के सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दिया था। छोटी सी प्रिंसेस हाय अनाया तैयार हो गई दशहरा देख लेना अनाया हैप्पी दशहरा मना हैप्पी दशहरा उभियो उभियो फिर कुट चाल रहे माँ मिठाई आना ले चल रहे पप्पा काजू कतली आनते आता स्माइल वेरी गुड। आज जो है ना दशहरा है आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी दशहरा टू ऑल। तो बस यहाँ पे शाम को हम लोगों ने तैयारी कर ली है और अभी जाएंगे मंदिर में माता को जो है बेलपत्र देने के लिए मतलब सोने का पान देने के लिए और घर में भी सब लोग आएंगे हम भी जाएंगे लोगों के यहाँ। तो बस आज का मतलब सुबह तो ज्यादा रिकॉर्ड कुछ नहीं किया क्योंकि कल बहुत ज्यादा थक गए थे हम लोग क्योंकि कल नवमी थी काफी ज्यादा खाना वगैरह था तो काफी थक गए थे तो कल ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आज जितना भी थोड़ा बहुत होगा वो रिकॉर्ड करूंगी। हस्बैंड जी तैयार है हमेशा ब्लैक 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 जो कलर एक बार पसंद आया उसको हम छोड़ेंगे नहीं। क्या पे मेरी अंशु खा रही है खाना अनाया से फोन ले लिया है तो बस मुंह फुला के बैठी। भैया वगैरह कहाँ है आत्या इधर बैठी है इधर रही पीहू इधर इकड़े बगा हैप्पी दशहरा मना हैप्पी दशहरा वहाँ पे सब जा रहे हैं अभी अभी भैया ऐसे से कर दो मंदिर में जा रहे हैं पान देने के लिए सबके सब बड़े भैया हैप्पी दशहरा हैप्पी दशहरा हाँ इधर बाप हैप्पी दशहरा माहौल तो दिखा हुआ आज मंदिर का। तो आज मंदिर में सभी लोग माता रानी के पास जाएंगे पान देने के लिए और हम लोग भी जाएंगे थोड़ी देर में ये लोग जाके आ जाते फिर हम लोग जाएंगे। और इधर रही ताई 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 हैप्पी दशहरा बोल दो हैप्पी दशहरा आई इधर देख लो आई हैप्पी दशहरा बोल दो सबको मिठाई भी खा लो सब लोग दशहरे की मिठाई यहाँ पे रही हमारी। हमारे घर में ये वाला म्यूजिक चल रहा है जैसे कि हमारे घर में किसी की शादी हो दशहरा नहीं आज शादी है। और ये रही यम्मी सी मिठाई आज हमारा घर जो है ठंडा कर दिया है कलश और बाबा ने अभी खूब सारे सोने के पान ला के रखे हैं जो हम लोग अभी सबको जाके देंगे। पहले जाएंगे मंदिर पे मतलब माता को चढ़ाएंगे दुर्गा माता को उसके बाद फिर जो है सबको देंगे मंदिर से। अब इनके इनको जो है ना टीका वगैरह करेंगे तो कॉलोनी के लोग जो है वो भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो बस मंदिर में सोना देख के भैया वगैरह आ गए तो आई अभी जो है सबके पैर धुलेंगी सबको टीका करेगी सबसे पहले बड़े भैया अनाया। यहाँ पे देवरानी जेठानी की मस्ती चालू है। अरे क्या बोलती है पागल हो क्या तो मंदिर में मैंने नहीं मैं पागल हूँ बचपन से पता ही नहीं तो
तो ये मेरे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं साइंस पढ़ाया करती थी, मतलब अभी मतलब 2 सालों से मैंने जो है क्लासेस लेना बंद किया है, तो इन्हें मैं साइंस पढ़ाया करती थी। तो बस ये लोग घर में आए थे सोना देने के लिए हमें। तो मेरे सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले मुझे यूट्यूब में स्टूडेंट्स मेरे, बोलना है कुछ अभी ब्लॉग देखने वाले हो सब्सक्राइब करो। आगे हम लोग मंदिर, यहाँ की लाइटिंग बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बस है माता तो हमारी यहाँ पे घर वाली प्रोसेस चालू हो रही है सबको सोना देने की। तो ये हमारी प्रोसेस चालू हो गई है सोना देने की। हमारे घर में बहुत सारा सोना आया है आज। तो ऐसी प्रोसीजर रहती हमारे यहाँ सोने के पान देने की। तो बस बड़े भैया और ताई ने आई बाबा को सोना दिया था, उसके बाद हमारा नंबर आता है क्योंकि हम लोग बीच वाले हैं, और उसके बाद फिर छोटे भैया देते। तो जो वो वाला क्लिप है ना जो मैंने और इनने आई बाबा को सोना दिया है, तो वो भी किसी वजह से मिस हो गया है, मतलब क्लिप आया नहीं है वो, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज होते थे, ध्यान नहीं रहता है, कभी हम लोग ऑन करते कभी पॉज करते हैं, तो उसके कारण क्या हुआ ना कि वो क्लिप नहीं आ पाया। तो बस अंकिता फिर हम लोगों ने दिया, उसके बाद अंकिता वगैरह ने जो है ना आई बाबा को सोना दिया। तो ऐसे करके एक एक मेंबर्स जो है ना बाकायदा हम लोग बिठा के मतलब इस तरह से देते हैं। तो और ये फेस्टिवल मतलब बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, और सबके हंसी मजाक सब कुछ। प्यारे प्यारे बच्चे, ये दो प्यारे बच्चे मेरे। बस सबका सोना वगैरह देना हो गया, उसके बाद यहाँ पे अंकिता की मम्मी थी तो उन्हें भी सोना वगैरह सबने दिया, एक एक करके लाइन से हम लोग जैसे बड़े छोटे छोटे इस तरह से। और उसके बाद जो है ना कॉलोनी के लोग थे वो कंटिन्यूसली आना चालू थे, उसके बाद हम लोग भी कॉलोनी में गए थे, जो जो हमारे घर में आते हैं जो जो हमसे बड़े हैं उनके यहाँ हम लोग जाते हैं सोना देने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ना दशहरे का फेस्टिवल मनाया जाता है, और बहुत ज़्यादा रौनक होती है, मतलब दिवाली से भी ज़्यादा रौनक होती है दशहरे के दिन पे यहाँ पे। शिफ्ट चेंज, अभी बड़ी जनरेशन गो, अभी छोटी जनरेशन कम इन हो रही है। ये अब सबसे आखिरी। तुम ऐसे कैसे बीच में घुस रहे हो? नहीं, हम ऐसे कैसे घुस रहे हो बीच में? नहीं रे, आ कैसे घुस रहे हो? बेटा पीऊ तू पण दे सगळ्यांना, ठीक आहे ना? ये पण ऐकलं नको पूर्ण माझ्यावर। अरे वो काजू कतली दो ना, काजू कतली है ना, बहुत अच्छी लगी मेरे को। काजू कतली दो ना, बहू रानी का घोटाला, घर वालों के पास काजू कतली नहीं थी, दूसरी मिठाई खिला रही है। ए भदुला बेटा चले ना, क्यों मना लाऊंगा? तो यार कॉलोनी की तो वीडियो ले मेरे बाबा, एक मिनट कैमरामैन फोन देखो बाबा। यस मैम, ठीक है, उधर चालू कर, इधर तो कंट। ए अन्नू, तो हमारे सबसे छोटे भैया आ गए अभी, इधर इधर ही देवरानी। भैया
वैसे भी तुम दोनों माता रानी दिख रहे हो आज। तुम्हारे पैर क्या है, तुम छुपा के क्यों रखे हो? जेठानी ने पैर छुपा लिए अपने। सही बात है, सही बात है। सबसे बड़े लेकिन दिन भर मैं हूँ बीच पर। इसके देखो वटत दे अंकिता। हमारा हमारी पीयू तो देना बाकी थी चाची और चाचू को। अरे वाह, बस आता पान दिया। शादी छोड़ी है वहाँ चाची चाची की शादी लगा रही है। पप्पा ला मिठाई। अरे वाह, मम्मा ला मम्मा मम्मा। अरे थैंक यू दीदी। पूरा व्हाइट कलर से क्या आ गया? व्हाइट कलर आ गया, पूरा व्हाइट कलर आ गया दीदी, पूरा व्हाइट कलर आ गया। हाँ कितनी खुश हो गई वो मेरी कलर। बाप रे बाप। हाँ हाँ पकड़ी बच्चों की और बड़े पापा की पकड़ा पकड़ी चालू है। यहाँ पे फिर सबने मतलब मिलके ना एक फैमिली फोटो खिंचवा ली, क्योंकि सबको यहाँ पे थी तो बस एक फैमिली फोटो तो बनती है। सोना के देने का प्रोग्राम था वो हो गया, अभी हम लोग निकले घर के बाहर और एक दो जो दुर्गा जी देखेंगे तो दर्शन करा भी बहुत प्यारी बहुत प्यारा। इस तरह से था हमारा दशहरे का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो इस तरह के व्लॉग देखना पसंद है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। और ये वाली दुर्गा जी तो बहुत प्यारी थी, एक ही मिली, हालांकि सारी जो दुर्गा जी है ना वो उठ गई थी। और हाँ, हमारे कॉलोनी की नहीं उठती, हमारे कॉलोनी की जो ना दशहरे के दूसरे दिन और बहुत ही धूमधाम के साथ उठती है, मतलब बहुत सारी ऐसी 10-15 दुर्गा जी यहाँ पे होती है। तो मिलती है इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।